सो हाई फ्रेंड्स, आई एम अवनिका। आज हम एक ऐसे अच्छे टॉपिक के साथ आए हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि ऐसे किसी भी प्रकार के दर्द में, किसी भी प्रकार के पेन में आपको ऐसी 5 चीज बताऊंगी जो से आपको काफ़ी राहत मिलेगी, इवन काफ़ी हद तक चले जाएगी। किसी भी तरह का दर्द हो उसमें ये 5 तरीके हैं जो आपके घरों में ही अवेलेबल होगा इजीली, या आप कहीं से भी इजीली अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट एरिया से। सो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि कमेंट देख के मुझे आगे की वीडियो बनाने में ईजिली हो जाए कि मैं आगे की वीडियो कैसी बनाऊँ आपके लिए। सो नेक्स्ट बात करते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज में भी जा सकते हैं, इवन इंस्टाग्राम पेज में भी आप जा सकते हैं आगे इससे इंटरेस्टिंग पहले की अपडेट जानने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, तो पहली चीज़ जो है, अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा ईजली आप जो ऐसे 5 मेथड्स हैं जो आपको पेन में बिल्कुल रिलीफ हो जाएंगे। सो पहला जो है, ये जो आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये क्या है? आई नो कोई चूट टाइप का है, ऐसा है कि पता नहीं कौन सी मेडिसिन दिखा रहे हैं, पर नहीं, इट्स ये हींग है जो जनरली आप हर किसी की मदर घर के खाने में ज़रूर डालती होगी, इवन आप ज़रूर लेते होंगे अपने डेली लाइफ के कहीं भी खान पान में। सो जो हींग होता है वो हमारे जितने भी पेट से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड जितनी भी दर्द हैं उसमें काफ़ी अच्छा दवा की तरह काम करता है और काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करता है अगर मेडिसिन अवेलेबल ना हो। सो ना केवल ये पेट के दर्द में, बल्कि आपके गैस में, गैस्ट्रिक या बदहजमी जो हो जाती है, या पेट का फूलना जिसे आदिमान कह सकते हैं, उसमें उस जितनी भी समस्या, उसमें हमारे लिए हींग सबसे बेस्ट है और कितना लाभकारी माना गया है। ये दर्द होने पर हम हींग का क्या करें, घोल बना लें और पेट में लगाना, जिस एरिया में आपको पेट में दर्द हो रहा है उस एरिया में लगाएं, इवन आप उसे थोड़ा टंग में भी लगा के चखें, ये काफ़ी असरकारी मानी गई है। सो नेक्स्ट जो है, हमारी जो नेक्स्ट जो मेथड है वो है, यस फ्रेंड्स, अदरक। जो है अदरक है वो काफ़ी जो कुरकुरमा लौंगा, जो अदरक है हमारा काफ़ी फेमस हो रहा है आजकल। सो ये काफ़ी अच्छा माना गया है, इवन जो गर्म प्रकृति के लोग होते हैं या गर्म प्रकृति होने के कारण किसी का, जैसे पित्त प्रकृति या गर्म प्रकृति होने के कारण, ये सर्दी जनित जितनी भी दर्द में सबसे फ़ायदेमंद माने गए हैं। जैसे कि आप ले लो सर्दी, खांसी से या फिर दर्द, या उसमें या फिर सांस से संबंधित जो भी अस्थमा की जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं, इवन जोड़ों के दर्द में, इवन ऐंठन जो होती है और सूजन जो स्वेलिंग हो जाती है उसमें भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है अदरक। आपको जो आप डेली लाइफ में से अदरक लें, नॉर्मल आर्द्र भी ले सकते हैं और सूखा भी ले सकते हैं अदरक। सो फ्रेंड्स, जो थर्ड है, अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स, जो एलोवेरा है वो काफ़ी हद तक लोग इसे घर में उगाते भी हैं और यूज़ भी करते हैं, इवन ये अलग अलग चीज़ रेडीमेड भी लेके आते हैं बाहर से, और जितना हो सके आप नेचुरल अपने गार्डन एरिया में उगाएं, मैंने तो बहुत सारे उगा रखे। सो आगे जो बात करते हैं, जो एलोवेरा है वो किस चीज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। सो ये आपके जितने भी जॉइंट्स के एरिया में जितने भी दर्द होते हैं उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी गई है। अगर इवन आपको कहीं भी चोट लग जाती है या फिर जलन हो जाती है या फिर बर्निंग हो जाती है, तो आप उसकी चोट के एरिया में भी लगा सकते हैं। सो इवन ये अगर किसी को सूजन हो गई हो या रेडनेस हो गया हो, तो एलोवेरा काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप कोई भी घाव सी जगह में, घाव हो गया हो कहीं गिर के, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। जितनी भी हमारी स्किन से रिलेटेड, हमारी त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्या हैं, होने वाले जितने भी दर्द हैं, उसमें जो एलोवेरा है का, उसका जो अंदर का गुदा का एरिया है वो लगा लें, और उसके साथ अगर हल्दी के साथ अगर ले लें, हल्दी के साथ लें और हल्का सा गर्म कर लें, और उसके एरिया में जहाँ आपको घाव हो रखा है या जितनी भी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है या दर्द हो रहा है उसमें, तो आप उस एरिया में लगा लें एलोवेरा का अंदर का जो पार्ट है वो, और उसको थोड़ा सा हल्दी लें और उसको थोड़ा सा हल्का गर्म करके थोड़ी भी
इसे कवर कर लें, बांध लें और एक दिन के आप सुबह खोल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है फोर्थ मेथड जो काफ़ी इफेक्टिव है, यस फ्रेंड्स, तो क्या लग रहा है ये कुछ ऐसा लग रहा है ये, हाँ यस फ्रेंड्स, ये सरसों है। जो सरसों है, जो पीली सरसों हैं, ये सरसों क्यों दिखाया मेरे लिए, तो मैं सरसों का तेल बताने वाली थी। सरसों का तेल मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा वैसे, पर आपको सरसों का तेल क्या करना है, सरसों का तेल से पहले आपको अपनी आंखों के सामने सरसों का तेल की जो ये है जो सरसों का ये है उसे पिसवा के तेल निकालना है। तो क्योंकि काफ़ी अडल्ट्रेशन हो गई है, इसलिए आपको जो भी है, इवन अपने घर में भी यूज़ करते हैं, तो आप जो प्योर है वो यूज़ करें, उससे काफ़ी जल्दी आपको दिखेगा उसमें रिजल्ट कि कैसे जल्दी ठीक होता है। जो सरसों का तेल क्या करना है, वो हमारे जितनी भी शारीरिक, जितनी भी फिजिकल, जितनी भी दर्द होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। इवन घुटनों, जो नी की एरिया का है ना, वो उसका दर्द बहुत जल्दी ठीक करेगा ये। उसमें जितने भी, ये काफ़ी बेहद लाभकारी माना गया है, और सर्दी जनित जितने भी हमारे दर्द होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा वर्क करता है। सिर्फ इसकी जो मसाज करने से ही, या फिर थोड़ा बहुत मलने से ही, मसाज करने से ही 10-5 मिनट या 10-20 मिनट आप मसाज करने से इसमें दर्द में काफ़ी इजीली आराम आ जाता है। इसे थोड़ा थोड़ा सा लिक्वम गर्म करके लगाएं, और इवन त्वचा में ये जो गर्माहट पैदा होती है इससे, ठीक है, इवन ये सर्दियों में काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। सर्दी आ गई है फ्रेंड्स, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आगे की जो है सर्दियों में कोई ऐसी दिक्कत ना हो आगे जाके। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा, जो फिफ्थ मेथड है, ज़रूर जाना चाहेंगे। सो गेस कर सकते हैं कि क्या मेथड हो सकता है, पर मैं वेट नहीं करना चाहती और लंबा ना हो तो बता देते हैं। ये मेरा फेवरेट है, लौंग। जो लौंग है वो हमारे दांतों के लिए, आपके जो भी गम्स एरिया या मसूड़ों में, उसके सारे दर्द के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है, और जो भी सूजन हो जाती है आपके मसूड़ों में या तो उसमें जितने भी माउथ एरिया में, तो ये लौंग काफ़ी फायदे और लाभदायक माना गया है। दर्द वाली जगह पर आप लौंग का पाउडर लगा लें, और उसमें लौंग का तेल है उसे भी गाल दें, पाउडर लें या उसका तेल ले लें और उसे भिगा लें, और उसे रुई में ऐसे से डिप करके और लगा लें, या फिर कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी असरदार मानी गई है जो लौंग है। इवन इससे कैविटी भी नहीं होती आपके दांतों में, और जो बच्चों की कैविटीज़ हो जाती हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये। सो ये आज ऐसी 5 तरीके की बात करी हमने जो कि सबको अपनानी चाहिए, क्योंकि इतनी अलग अलग दर्द में काम कर रही है। कोई हींग है, कोई अदरक है, कोई एलोवेरा है, सरसों है और लौंग है। ये जो 5 चीज़ है वो काफ़ी अचूक है, ये हमारी दवा से भी बेटर है। जिससे कि आपको दवा ना लेना पड़े, सबसे पहले आप यही यूज़ करें जिससे कि आपको आगे जाके कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, जो आप इजीली अपने घर की चीज़ों से ठीक कर सकते हैं और ये इजीली अवेलेबल होंगे आपके लाइफ में। सो फ्रेंड्स, मोर सब्सक्राइब टू आयुष मेडिसिन एंड मोर क्लोज टू दी आयुर्वेदा। सो लाइक ज़रूर करें, अगर कोई भी लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, इवन ये आपके साथ बाकी लोगों को भी पता लगे कि ऐसे 5 तरीके की चीज़ है जो आपके हर तरीके के पेन को यूँ चुटकी में दूर कर सकती है। सो नेक्स्ट ये है, सो मेरे चैनल जो इंस्टा का पेज है ज़रूर जाए उसमें और फॉलो ज़रूर करें। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड दीर्घ आरोग्य भवा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, सो थैंक यू।